मम्मी पापा, मम्मी पापा सुनो ना, पहले ये सब छोड़ो, मेरी बात सुनो। अरे बोलेगी, अरे मम्मी पता है मेरा मेडिकल का रिजल्ट क्लियर हो गया है। अरे वाह मेरा बेटा, मेरा बच्चा, पहले से ही पता था। बच्चे ने वो कर दिखाया जो आज तक इस परिवार में किसी ने नहीं किया। मेरा बेटा सच्ची। हाँ मम्मा, देखो मैंने आपसे कहा था ना हमारे बच्चे कितने होशियार हैं। क्या बात है बेटा, तू खुश नहीं लग रही। नहीं पापा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब तो अपने पापा से बात छुपाएगी, बता क्या हुआ। बोलो। पापा वो फीस 15 दिन में सबमिट करनी है। तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं भर दूंगा फीस, बता कितनी फीस है। पापा वो मेडिकल कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा है, मुझे पता नहीं था कि फीस इतनी ज्यादा होगी। फीस वो 10 लाख है। तू चिंता मत कर बेटा, मैं ना मैं फीस तेरी भर दूंगा, बिल्कुल परेशान मत हो। तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, तेरी फीस जमा हो जाएगी बेटा, परेशान मत हो बेटा। हाँ हाँ, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं बेटा, तुम पैसों की चिंता मत करो, कम है ना, हम फीस का इंतजाम कर लेंगे। लेकिन पापा आप लोग कर... एक मिनट, किसी का फोन आ रहा है। दो। हाँ ठीक है बेटा। फीस तो बहुत ज्यादा है, हम इतने जल्दी इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे। तू चिंता मत कर, ऊपर वाले ने चाहा ना तो इसका भी इंतजाम हो जाएगा, सब ऊपर वाले पे छोड़ दे। लेकिन 10 लाख रुपए कम नहीं होते हैं। मैं कुछ करता हूँ, भरोसा रख। पागल हो गई हो क्या? सॉरी। क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही हो। हाँ यार, पता है मेरा मेडिकल कॉलेज का एंट्रेंस ना क्लियर हो गया है। वाह क्या बात है, अब तो मैं घर से कह सकता हूँ मेरे होने वाली बीवी एक डॉक्टर है। हाँ। और मैं अपने पापा को भी बता सकता हूँ कि मुझे इसी के साथ ही शादी करनी है। तुम्हारे मम्मी पापा तो बड़े खुश हो गए यार। हाँ यार, मम्मी पापा तो बहुत ज्यादा खुश है। पता है क्या, मम्मी को तो पहले से विश्वास था कि मेरा 110% सिलेक्शन होने वाला है। तो होना ही था। और पता है पापा तो उछल रहे थे, मतलब बाहर, मतलब बहुत ज्यादा हम तो खुश थे। क्या हो गया एकदम से तुम उदास क्यों हो गए? एक्चुअली वो कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा है और पैसे अरेंज करने में काफी प्रॉब्लम आ रही है। अरे तुम टेंशन मत लो, जो होगा सब ठीक होगा, अंकल सब कुछ देख लेंगे, वो तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। तुम सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करना। अच्छा ये बताओ क्या खाओगे आज मेरी तरफ से पार्टी? ओके हाँ, हनी चिली पटेटो और कोक। वेटर सावित्री, एक ग्लास पानी लेके आना। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, ये 10 लाख रुपए रोशनी की फीस जमा हो जाएगी। 10 लाख रुपए? इतनी जल्दी इतने पैसों का इंतजाम कैसे किया आपने? ये बस माता रानी की कृपा है। नहीं नहीं कुछ नहीं, वो थोड़ा पेट में दर्द था ना तो डॉक्टर से दवाई लेके आया था। अब ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम एक काम करो, तुम ये अलमारी में रखो और चाय चढ़ा दो। मेरी बेटी अब डॉक्टर बन जाएगी।
number you have dialed has been disconnected. हेलो सूरज. हेलो हेलो सूरज. इतने दिन से फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? यार वो मैं बहुत बिजी था काम में. क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार. अच्छा, और तुम व्हाट्सएप में भी रिप्लाई नहीं कर रहे थे? यार मैं बाद में बात करता हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ. सूरज है. रोशनी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ. यहाँ क्यों खड़े हो? कुछ नहीं, क्लास में. चले क्लास. ओए हाय. ओ हेलो. हाय हाय. कहाँ जा रही है? यार बस बाहर तक जा रही थी. कॉलेज की छुट्टियाँ हो रही है 4-5 दिन की, तो हम गोवा जा रहे हैं. पूरा ग्रुप जा रहा है. चल रही है ना तू? पक्का? आए हमेशा सब लोगों की तरह गोवा जा रहे हो तुम लोग भी. हाँ हाँ, और क्या है. ठीक है, एक बार तो जाना चाहिए ना. कब से? ऑब्वियसली चलते हैं एक बार. कोशिश करो. नहीं गए हैं? नहीं यार, मैं गोवा नहीं जा पाऊँगी. एक्चुअली आज शाम ही घर निकल रही, ट्रेन है. यार चल लो यार, तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा. यार क्या करूँ, आज शाम की ही है ट्रेन. एक लो, कोशिश एक बार कर सकते हो. यार मैं नहीं जा पाऊंगी, आई एम सॉरी. चल ठीक है, फिर 4-5 दिन बाद मिलते हैं. चल ओके बाय. अरे कहाँ रह गई? चले, देरी हो रही है. हाँ आ रही हूँ. चलो चलो, रेडी होगी ना? हाँ हाँ. चलो चलो, शाबाश शाबाश. अरे वाह, मेरा बेटा आ गया. मेरा बच्चा. कैसा मेरा बच्चा? कितने दिनों के बाद आया बेटा? वो बता बेटा, कॉलेज में सब कड़िया? ठीक है, रख दे बेटा बैग, रख दे आप. चल बेटा बैठ जा, तू बैठ जा. आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ बेटा, तेरी मौसी के घर पे जा रहे हैं. अच्छा तो बेटा तू खाना वाना खा लियो. क्या बनाया खाने में? इसकी पसंद के राजमा चावल बनाए. बेटा बच्चे के राजमा चावल बनने, तू राजमा चावल खा लियो. फिर हम फटाफट होके आएंगे. ठीक है ठीक है. आप लोग जल्दी आना. ठीक है, ध्यान रख बेटा अपना. बाय. बेटा ध्यान रखियो. हेलो, कहाँ हो तुम? घर हूँ. इतने दिन से कॉल क्यों नहीं उठा रहे मेरा? क्या है? नहीं मैं ये कह रही थी कि एक्चुअली मैं घर पे आई हुई हूँ, तो तुम मुझसे आके मिल लो. ठीक है, बताओ कहाँ मिलना. अरे वो नींबू पार्क नहीं है, वहाँ पे मिलेंगे. ठीक है ठीक है. हाँ मैं आ रहा हूँ. ओके. हाँ हाँ. क्या हुआ यार, इतना अलग अलग सा क्यों बिहेव कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ. अच्छा देखो, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल पाते, तुम मुझसे झूठ मत बोलो. चलो बताओ क्या हुआ है. यार वो बात ये है कि मुझे लगता है कि अब हमें साथ नहीं रहना चाहिए. आई थिंक वी शुड ब्रेक अप. मजाक तो नहीं कर रहे ना? तुम जब आती हो तो हमारे दूसरे दिन मिलते हैं,
अब तुम हॉस्टल चली गई हो, हम महीनों महीनों तक मिल नहीं पाते, मुझसे नहीं हो पाएगा। देखो ऐसे बात मत करो, ऐसे अलग होने की बात मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी यार। कुछ ठीक नहीं होगा रोशनी, आई एम सॉरी। सूरज सूरज मेरी बात सुनो, सूरज सेक्रीफाइस को इस तरह से बेकार नहीं जाने दूंगी। मैं डॉक्टर बनूंगी, हाँ मैं पापा का सपना जरूर पूरा करूंगी, मैं सुसाइड नहीं करूंगी, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगी, पापा का सर ऊंचा करूंगी। अब बस बस मुझे आगे बढ़ना है, मेरे पापा का सपना पूरा करना है। हाँ हाँ मैं मेरे पापा का सपना जरूर पूरा करूंगी।